मौलाना फजल रहमान की तबीयत नासाज हो गई है। लाहौर के निजी अस्पताल में उन्हें दाखिल कराया गया है। 3 दिन बाद मौलाना फजल रहमान का ऑपरेशन होना है। गौहर महसूद से जानते हैं। गौहर, बताइएगा मौलाना की तबीयत के बारे में। जी बिल्कुल, मौलाना फजल रहमान की गुज़श्ता दिनों भी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। आज एक दफ़ा फिर उनकी तबीयत ख़राब हो चुकी है, जिनको लाहौर के निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान को जो डॉक्टर ने टाइम दिया है वो परसों का दिया है कि परसों उनका बीमारी के हवाले से ऑपरेशन किया जाएगा और इसी हवाले से तमाम तर जो ज़रूरियात हैं वो पूरी की जा रही है और उनके इलाज का जो सिलसिला है वो लाहौर के एक निजी अस्पताल में जारी है। परसों उनका ऑपरेशन किया जाएगा और उसके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ेगा कि उनकी सेहत बेहतरी की तरफ लाई जा सके। इसी हवाले से डॉक्टरों का आज सुबह एक मीटिंग भी हुई थी निजी अस्पताल में और इस मीटिंग में ये डिसाइड कर लिया गया था कि उनका ऑपरेशन परसों कर लिया जाएगा। उस परसों तक तमाम तर जो अद्वियात और इन इससे मुतलक जितनी जरूरियात होती हैं वो मुकम्मल कर ली जाएंगी और जो भी इनिशियल इब्तदाई जो इलाज मुआलजा होगा वो पूरा करके परसों उनका ऑपरेशन कर दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया गौहर महसूद आपका।